और कोंडागांव से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बता दें बड़े नक्सली लीडर के घायल होने की खबर है। मर्दापाल के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने बता दें ऑपरेशन की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। तो कोंडागांव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बड़े नक्सली लीडर के घायल होने की खबर मिल रही है। ये भी आपको बताया कि मर्दापाल के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि अधिकारियों ने ऑपरेशन की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। कोंडागांव से बड़ी खबर मिल रही है। बता दें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बड़े नक्सली लीडर के घायल होने की खबर है। मर्दापाल के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि अधिकारियों ने ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट्स? जैसा कि देखने में आ रहा है मैडम, जो भी छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगल वाले इलाके हैं, जैसे दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा हो गया या सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, और ये कोंडागांव नारायणपुर का ये जो पैच है जंगलों का, ये एक में मिला हुआ है। और अभी भी कुछ दिन पहले अपने छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का बॉर्डर का इलाका है, उन इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता दिख रही थी, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली थी। और इसी प्रकार इसी तरह ये कार्रवाई कल हुई मर्दापाल के जंगल में, जो कोंडागांव जिला का आता है, ये जंगल एक ही पैच में मिले हुए। जी चलिए, शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए। तो कोंडागांव से ये खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि जहां नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है, हालांकि अधिकारियों ने ऑपरेशन की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। मुठभेड़ में बड़े नक्सली लीडर के घायल होने की खबर भी मिल रही है। मर्दापाल के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है।